एवरीवन, आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी की एकदम नई और एकदम इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उसके सामने आप मटन, चिकन और फिश खाना भी भूल जाओगे। ये इतनी अच्छी लगती है सब्जी फ्रेंड कि अगर आप एक बार इस रेसिपी को आप बना लोगे तो गारंटी है फ्रेंड कि हफ्ते में 4 दिन आप इसे ही बनाना पसंद करोगे। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पत्ता गोभी लिया है जिसे मैंने अच्छे से धुलकर साफ कर लिया और इसके ऊपर वाले छिलके को हटा दिया है। अब हम इसके डंठल को कट करके हटा देंगे, इस तरह से निकाल दें इसे। अब हम क्या करेंगे कि इसके एक एक पत्ते को अलग करेंगे। तो सावधानी से अलग करें फ्रेंड, जिससे कि पत्ते टूटे ना। हमें इस रेसिपी के लिए खड़े पत्ते चाहिए, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ पत्तों को अलग कर लिया है। इसके लिए आपको फ्रेश पत्ता गोभी का ही इस्तेमाल करना है फ्रेंड। अब हम इसके जो मोटे वाले ये पार्ट है इसे हमें नाइफ की मदद से कट करके हटा देना है। तो सारा इसी तरह से हम कट करके हटा लेंगे। अगर इसमें ये डंठल रहने देंगे फ्रेंड तो आपको दिक्कत होगी बनाने में, इसलिए आप इन मोटे डंठल को कट करके हटा दें। यहाँ पे हमने सारे डंठल को कट करके हटा लिया है। यहाँ पे लिया है हमने एक बाउल और इसमें हम ले लेंगे 3 बड़ा चम्मच बेसन। आप बेसन यहाँ पे मोटा पतला जो भी हो ले सकते हैं। और साथ ही हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप यहाँ पे लहसुन नहीं खाते तो केवल आप यहाँ पे अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच ही मैं यहाँ पे हींग डाल दे रही हूँ। हींग जरूर डालिएगा फ्रेंड, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। 1/2 छोटा चम्मच खड़ा जीरा डाल देंगे और साथ ही 1/2 छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे इसका बैटर एकदम गाढ़ा नहीं तैयार करना है और ना ही बहुत पतला, मीडियम तैयार करना है फ्रेंड। और बेसन को हम 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे फेंट लिया है, तो हमें कुछ इस तरह का बैटर चाहिए, ना ही बहुत गाढ़ा और ना ही बहुत पतला। यहाँ पे लिया है मैंने पत्ता गोभी और इसे हम हाथों से इस तरह से फ्लैट कर देंगे। अगर टूट जा रहा है पत्ता गोभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड। और जो हमने बेसन का बैटर तैयार किया है इसके ऊपर स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। आप स्पून या स्पैचुला जो भी हो उससे अच्छे से फैला लें। तो बराबर से फैलाएंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करके और एक साइड से फोल्ड कर ले। और थोड़ा सा लास्ट में हम बेसन लगा देंगे जिससे कि ये चिपक जाए अच्छे से। बस इसी तरह से हम यहाँ पे सारा बना लेंगे। चलिए मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ, बहुत ही आसानी से बन जाता है फ्रेंड। और जो सावन में नॉनवेज नहीं खाते तो वो इस तरह से बना सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल मछली की तरह लगता है फ्रेंड। आप इसे चाहें तो बिना दोनों साइड से फोल्ड किए भी इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने सारा बना लिया है, तो मैं आपको इस रेसिपी को 2 तरह से बनाना बताऊंगी। यहाँ पे लिया है मैंने एक बाउल और इसमें हम ले लेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच दही। आपको यहाँ पे फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है, खट्टी वाली दही का नहीं। अब हम इसमें कुछ मसाले लेंगे, जिसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो इसे क्रश करके हाथों में डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड, जरूर डालिएगा। 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे जिससे कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला रेडी है। यहाँ पे लिया मैंने गैस पे एक कढ़ाई और इसमें मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले से रख दिया है। मैंने यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, इससे इस रेसिपी में और भी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप सरसों तेल नहीं खाते हो तो जो भी तेल खाते हो उसमें इसे बना सकते हैं। और इसमें हम पत्ते गोभी को डाल के पलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से फ्राई हो गया है, तो बस इसे हम निकाल लेंगे। मैं आपको इस रेसिपी को 2 तरह से बनाना बताऊंगी। यहाँ पे जो बेसन बच गया था फ्रेंड उसमें हम इन पत्ते गोभी को अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। आप चाहे तो इसे बिना बेसन के कोट किए हुए भी बना सकते हैं और इस तरह से भी,
और इसे भी हम अच्छे से उलटते पुलटते फ्राई कर लेंगे। और आपको एक बात याद दिला दूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहे। तो यहाँ पे हमारा ये फ्राई हो गया है। वापस से मैंने वही कढ़ाई ली है और जो इसमें एक्स्ट्रा तेल था उसे हमने हटा दिया है। 2 चम्मच के करीब हमने इसमें तेल रहने दिया है, और हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच खड़ा जीरा। और जीरा के चटकते ही यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया था, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। प्याज को डाल के हम 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे, या तब तक जब तक कि प्याज का कलर हल्का चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, प्याज हमारा हल्का भुन गया है। तब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप यहाँ पे लहसुन नहीं खाते तो आप केवल यहाँ पे अदरक का पेस्ट डालिएगा, और अगर आप प्याज भी नहीं खाते तो आप केवल जीरा डालने के बाद अदरक का पेस्ट डाल दें, या अदरक को क्रश करके भी डाल दें। और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे दही वाला मसाला। जिस कटोरी में मसाला था उसे भी धुल के डाल देंगे, इसे वेस्ट नहीं करना है। तो इस टाइम गैस की फ्लेम को लो रखिएगा फ्रेंड, नहीं तो दही फट सकती है। और दही को हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए, नहीं तो दही फट सकती है। यहाँ पे दही में बॉयल आ गई है, तब हम इसमें डाल देंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है, जिसमें मैंने बीच में कट लगा लिया है। और इन सबको डाल के हम मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे, या तब तक जब तक कि मसाला हमारा अच्छे से भुन ना जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, मसाला यहाँ पे हमारा अच्छे से भुन गया है। तब हम इसमें डाल देंगे पानी। मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। मिला दें इन सबको, और इसमें हम एक बॉयल आने तक इसे पकने देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमारी तरी में बॉयल आ गई है। तो एक बार इसे मिला देंगे, और इसमें हम अपने फ्राई किए हुए पत्ते गोभी को डाल देंगे। तो दोनों डाल दें, जो हमने बिना बेसन का बनाया है वो भी, और जो बेसन से बनाया है वो भी। और इसे एक बार चला लेंगे, और अब हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो लीजिए फ्रेंड, 2 मिनट बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार है, और इसका लुक देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।